जय सरस्वती माता की जय। सरस्वती माता का यह मंदिर सरस्वती धाम, जो पहले मुस्तवाबाद होता था यमुनानगर के पास, अब उसको सरस्वती नगर के नाम पर ही रखा गया है। यह माता सरस्वती यहाँ पर खुद प्रकट हुई हैं और इस धाम की अत्यंत महिमा है। जिस प्रकार हरिद्वार में गंगा मैया की आरती होती है, उसी प्रकार सरस्वती धाम में सरस्वती मैया की दोनों टाइम आरती होती है, सुबह और शाम। यहाँ पर गंगा मैया के समान ही आरती होती है और यह भव्य आरती देखने के लिए दुनिया बड़ी दूर दूर से आती है और इसकी बुकिंग करवाई जाती है जो करवाना चाहता है भक्तगण। आप देख रहे हैं जैसे सरस्वती मैया की आरती का समय हो रहा है और यह सरस्वती माता का मंदिर एक कुंड के बीच में बना हुआ है और यह कुंड कोई आम कुंड नहीं है, यह सरस्वती कुंड है। सरस्वती माता का मंदिर शिव परिवार के साथ कुंड के बीचों बीच बना हुआ है, जो देखने में बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है। इस कुंड की अत्यंत महिमा है। माना जाता है कि द्वापर युग में कृष्ण भगवान जी अपने पांचों पांडवों के साथ यहाँ पर पिंड तर्पण करने के लिए आए थे और तभी से यहाँ पर पिंड दान इत्यादि तर्पण, पितरों का श्राद्ध आदि किया जाता है। यहाँ पर करने से पिंड दान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ पर आज सरस्वती धाम नगर में जिस प्रकार आरती होती है, वहाँ पर भक्तगण बड़े उत्साहित होते हैं और यहाँ पर दो साल में दो बार मेला लगता है, एक चैत्र के महीने में चैत्र की अमावस को और एक दशहरे पर। यहाँ पर बड़ी धूमधाम से सभी त्यौहार मनाए जाते हैं। जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि कुंड के बीचों बीच सरस्वती मैया का मंदिर है, यहाँ पर श्री पंचमुखी हनुमान जी का भी एक भव्य मंदिर है, जहाँ पर हमारे ठाकुर जी विराजमान हैं, युगल सरकार श्री राधा रानी और कृष्ण भगवान जी, विष्णु भगवान जी और लक्ष्मी मैया जी विराजमान हैं। यहाँ पर द्वापर युग के अमर अक्षर महादेव जी के दर्शन भी हैं, जो उस समय से यहाँ पर विराजमान हैं। यह कोई आम शिवलिंग नहीं है, यह द्वापर युग के कृष्ण भगवान जी द्वारा स्थापित किए गए हुए शिवलिंग हैं। इनके दर्शन करने मात्र से ही सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सबको मनवांछित फल प्राप्त होता है। जैसे कि आप इसके मंदिर का निर्माण भी देख के देख सकते हैं कि यह बहुत ही प्राचीन शिवलिंग है। यहाँ पर कृष्ण भगवान जी नंद बाबा जी के साथ विराजमान हैं। इसी के साथ सबको राधे राधे।